नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की खबरों पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इलेक्ट्रॉनिक बस के ट्रायल की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस वित्तीय साल के साथ शहर में ऐसी 30 बसें चलाने की योजना है। मुख्यमंत्री के मुताबिक यह एक अच्छी शुरुआत है जो पर्यावरण बचाव की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा। फिलहाल देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक बस का ट्रायल कर रही है और इसका मौजूदा वित्तीय वर्ष में शहर में ऐसी 30 बसें चलाने का प्रस्ताव है। रावत ने कहा कि हमारा प्रयास धीरे धीरे मसूरी, ऋषिकेश और हरिद्वार में भी ऐसी ही बसें चलाने का होगा और केंद्र चाहता है कि 2030 तक पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन हो। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने करवट बदली। मसूरी में देर रात हो रही बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, साथ ही ठंडी हवाओं के चलने से ठंड का प्रकोप और बढ़ गया है। ठंड के कारण पर्यटक भी होटलों में कैद रहे, जिससे माल रोड पर सुबह से शाम तक सन्नाटा पसरा रहा। वहीं तापमान में आई भारी गिरावट के चलते मसूरी में बर्फबारी होने की पूरी संभावना है। ठंड से बचने के लिए लोग हीटर, अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद बीजेपी में काफी आक्रोश है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक खजान दास ने इस घटना की घोर निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान खजान दास ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल सरकार की ओर से लोगों को उकसाया जा रहा है और इसका जवाब आगामी चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता जरूर देगी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। कुल मिलाकर के जो पश्चिम बंगाल में जो घटना घटित हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी भी निंदा करनी चाहिए वो बहुत ही कम है, क्योंकि एक जिम्मेदारी के तहत मुख्यमंत्री ने जिस तरह से जो वहाँ पे जो कुछ हुआ और जो घटित हुआ है, उसके सीधे सीधे जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर जाती है, उनके कानून व्यवस्था पर जाती है। राजनीतिक दल अपनी बात करेगा और सभी राजनीतिक दलों का यहाँ पे, ये हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है, सबका स्वागत होता है, किंतु जिस तरह से जो दुर्व्यवहार उन्होंने किया, जिस तरह से पत्थर बरसा की गई, ये निंदनीय है। और मुझे लगता है कि ममता जी के पांव वहाँ उखड़ रहे हैं, अब वो जमीन उनकी खिसक रही है। इसी के निमित्त अब इस तरह की निंदनीय कार्रवाई वो करने जा रही है, लोगों को उकसाने का काम कर रही है। इसका जवाब आने वाले चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता ममता जी को देगी। हरिद्वार में 22 सालों से अधूरे पड़े मानसिंह की छतरी मंदिर का सौंदर्यकरण और निर्माण शुरू हो गया है, जो किसी विवाद के बाद रोक दिया गया था। लेकिन 22 साल के लंबे इंतजार के बाद अब यह मंदिर हर की पौड़ी में और भी 4 चांद लगाएगा। देखिए रिपोर्ट। पिछले 22 सालों से जिस मंदिर का भवन विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी की भव्यता में बाधा बना हुआ था, वो अधूरा मंदिर बनकर अब तैयार हो रहा है। राजा मानसिंह की छतरी के नाम से प्रसिद्ध हरिद्वार के ब्रह्म कुंड के बीचों बीच स्थित ये मंदिर अब अपने नए स्वरूप में आ रहा है। मानसिंह की छतरी मंदिर के सौंदर्यकरण और निर्माण का काम इन दिनों जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि जब श्रद्धालु कुंभ के दौरान हर की पैड़ी पर डुबकी लगाएंगे तो ये मंदिर अपने भव्य स्वरूप में आकर हर की पैड़ी की सुंदरता में और 4 चांद लगाएगा। दरअसल विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी पर 22 सालों से अधूरा पड़ा ये मंदिर शुरू से ही विवादों में घिरा रहा है। जहां हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित इसे राजा मानसिंह की छतरी के नाम से पुकारते हैं, वहीं मंदिर के प्रबंधक और पुजारी इसे प्राचीन गंगा मंदिर मानते हैं। 1998 के कुंभ मेले से इससे पहले अक्टूबर 2097 में इस मंदिर के मुख्य पुजारी बुधकर परिवार ने गंगा बंदी के समय मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया था। इस दौरान मंदिर के प्रबंधन और हर की पैड़ी की प्रबंधकारिणी संस्था श्री गंगा सभा के बीच निर्माण को लेकर कुछ विवाद हो गया, जिसके बाद मामला न्यायालय में चला गया था।
करीब 22 सालों की जद्दोजहद के बाद अब दोनों पक्षों में सुलह हो गई है और मंदिर का निर्माण और सौंदर्यकरण किया जा रहा है। गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ बताते हैं कि इस मंदिर का कार्य अब अंतिम चरण में है। अब इस मंदिर में फिनिशिंग का कार्य चल रहा है जिसमें 1 से 2 महीने लगेंगे। इस मंदिर के बन जाने से हर की पैड़ी की सुंदरता में और 4 चांद लग जाएंगे और निश्चित रूप से इस मंदिर का जो जो एक तरह से अपने पुराने रूप में आने का जो कार्य है वो हमारे सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर की पौड़ी के चारों ओर पुनरुद्धार और सौंदर्यकरण के कार्य चल रहे हैं, जो कि माननीय निशंक जी के प्रयास से जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का CSR फंड हमें मिला था उसके अंतर्गत वो सभी कार्य चल रहे हैं। और उन सब कार्यों के साथ साथ अगर ये मंदिर अपने पुराने रूप में ना लौटता तो कहीं ना कहीं एक जो भव्यता और दिव्यता है उसमें निश्चित रूप से कमी रहती और गंगा जी के बीच में ये मंदिर अगर इसका सौंदर्यकरण ना होता तो कहीं ना कहीं हम सभी के जो प्रयास है वो अधूरी रह जाते। लेकिन इस मंदिर के सौंदर्यकरण ने भी सोने पे सुहागे वाला एक कार्य किया है और निश्चित रूप से चारों ओर हो रहे सौंदर्यकरण के कार्यों के साथ साथ इस मंदिर का जो ये सौंदर्यकरणकार पुराने अपने दिव्य और भव्य रूप में लौटने का जो कार्य किया हुआ है, इससे आने वाले 2-3 माह के अंदर अंदर ही, मैं कहूँगा बल्कि 2 माह के अंदर अंदर ही, हमारी हर की पौड़ी अपनी पौराणिकता दिव्यता के साथ साथ जो सुंदरता और भव्यता में है शायद हिंदुस्तान के सबसे भव्य और सबसे सुंदर 30 स्थलों में से एक। वहीं कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत का कहना है कि इस मंदिर का निर्माण इंटेक्ट के द्वारा कराया जा रहा है, जो कि इस तरह के कार्यों में काफी एक्सपर्ट मानी जाती है। हमारे द्वारा समय समय पर मंदिर की मॉनिटरिंग भी की जा रही है और कुंभ से पहले इस मंदिर को बनाने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। कि जो काम है मंदिर का, जिसको आप मानसिंह की छतरी कह रहे हैं, इसमें ये प्राइमरीली रेस्टोरेशन का काम है और ये इंटैक्ट के माध्यम से कराया जा रहा है, जो कि इस तरह के रेस्टोरेशन के मैटर्स में एक तरह से एक्सपर्ट संस्था है और उसमें यहाँ पे इनका फोर्स भी है, इनके लोग भी हैं। इसमें हमारी जो मॉनिटरिंग कमेटी थी CBRI की और IIT के इसमें प्रोफेसर्स थे और इसके अलावा ASI के भी इसमें मेंबर्स थे। उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी जिसके आधार पर ये रेस्टोरेशन हो रहा है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि कुंभ के जब स्नान होंगे तो उससे पहले सर्टेनली जो हर की पैड़ी में लगता था कि एक थोड़ा सा एक अगली सा दिखता था सुंदर, जी सर, हाँ, वो इस बार नहीं देखने को मिलेगा और बहुत सुंदर मंदिर आपको नजर आएगा। कुंभ में ये मंदिर हर की पौड़ी की सुंदरता को और 4 चांद लगाने का कार्य करेगा। मुकेश कुमार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, हरिद्वार। फिलहाल उत्तराखंड खबरों में बस इतना ही। नमस्कार।